का काम होता है खून को शुद्ध करना, एक्स्ट्रा पानी को यूरिन के जरिए बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना और शरीर में मौजूद केमिकल्स के लेवल को सही बनाए रखना। किडनी हेल्दी बनी रहे और आप ज्यादा से ज्यादा वक्त तक किडनी की बीमारी से दूर रह सके, इसके लिए अपनी डाइट में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करें। प्रोटीन से भरे फूड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में चिकन, अंडा और मछली शामिल करें। वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन से भरपूर फूड्स जैसे अनाज, बादाम, बीन्स और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। कम नमक और सोडियम का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए एक व्यक्ति को रोजाना 2300 मिलीग्राम सोडियम की जरूरत होती है। शरीर में नमक और सोडियम की मात्रा को बैलेंस करने के लिए फास्ट फूड और फ्रोजन फूड ना खाएं। अपनी डाइट में कम सोडियम वाले पदार्थ जैसे नारियल पानी, करेला, चिकन, मछली, बिना नमक वाले नट्स आदि को शामिल कर सकते हैं। कम फास्फोरस, खाने में ज्यादा फास्फोरस का सेवन हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, जिस कारण इनके टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। इससे बचने के लिए ताजे फल और सब्जियां, चावल आदि को खाएं। वहीं बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट, चॉकलेट, दाल आदि का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। लिक्विड का सेवन, शरीर में नुकसानदायक चीजें बाहर निकालने के लिए किडनी को तरल माध्यमिक जरूरत होती है। इसके लिए दिन भर में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय रहने वालों को इससे भी ज्यादा पानी पीना चाहिए। साथ ही अन्य तरल चीजें जैसे जूस आदि का सेवन करें। अगर कोई डायलिसिस करवाते हैं तो उन्हें जरूरत के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन बातों का भी रखें ख्याल। ज्यादा पेन किलर्स का सेवन करने से भी किडनी पर बुरा असर पड़ता है, अतः पेन किलर्स का कम से कम सेवन करें। अगर आपको किडनी की कोई बीमारी या शिकायत है तो आप रात को सोते वक्त कुछ मुनक्कों को पानी में भिगो कर रखें, फिर सुबह के समय में मुनक्कों को पानी से निकाल कर इस पानी को पिएं। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से गुर्दे के रोग जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। उनमें ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाने से डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा तो बढ़ता ही है, साथ ही इससे किडनी की आंतरिक नलियां भी नष्ट हो जाती हैं। अगर इन नलिकाओं को नुकसान पहुंच जाता है तो वो रक्त को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती हैं। इसलिए हेल्दी किडनी के लिए ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।